वेलकम टू बिट इनिंग, साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक दिल में बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि एक क्रिप्टो बिगनर सीरीज़ बनाई जाए फिर से, और इस सीरीज़ को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जैसे कभी मेरे घर में मेरे भाई बहन या कोई मेरा दोस्त अगर जब मुझसे राय लेता है तो उसको जनरली मैं बहुत टाइम देता हूँ, वो ड्राइंग रूम में, कई बार मैं उसको घर बुला लेता हूँ या कई बार फ़ोन पे बहुत टाइम देता हूँ, और बहुत उसको जैसे छोटे भाई को आप एक जर्नी की शुरुआत करवाते हैं ना, तो बहुत ढंग से उसको समझाते हैं प्यार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो कम्युनिटी मुझे इतना प्यार देती है, इतना मुझ पर ट्रस्ट करती है, आइडियली मुझे उन्हें उतना ही टाइम देना चाहिए, उन्हें उतने ही प्यार से समझाना चाहिए कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी शुरुआत कर रहे हैं, इतना समय उनको देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरा एक परिवार है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली मैं आपके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, फिजिकली मैं आपके साथ आ नहीं सकता, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं जितना चिंतित अपने भाई बहनों के लिए हूँ, अपने परिवार वालों के लिए हूँ, अपने दोस्तों के लिए हूँ, मैं उतना ही चिंतित आपके लिए हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो जर्नी है उतने ही अच्छे तरीके से क्रिप्टो में शुरू करें ताकि एंड तक आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये एक ऐसी फील्ड है देखिए जिसका कोई बहुत पुराना ट्रैक नहीं है, मतलब अगर आप स्टॉक्स में जाओ तो बहुत कंटेंट मिलता है, आप प्रॉपर्टी में अगर जाओ तो बहुत कंटेंट मिलता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो ना करो तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आपको एक बिगिनर कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है कि जो आपको एक सही तरीके से इस जर्नी में शुरुआत करने के लिए आपको गाइड कर सके। तो आज मैंने ये डिसाइड किया कि 40 से 50 वीडियोस बनाऊंगा और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आज उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। वीडियो का जो फॉर्मेट है आप देख रहे होंगे, जैसे बैकग्राउंड है, नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने ड्राइंग रूम में, आपके लॉन में या रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मैंने कोई इसको प्रोफेशनल सेटअप नहीं दिया है। प्रोफेशनल सेटअप में जनरली ये होता है कि फिर आपको ऐसा लगता है जैसे क्लासरूम चल रही है। मैं किसी क्लासरूम की तरह आपको बताना नहीं चाहता, मैं एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते आपके सामने बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब भी कोई मुझसे बोलता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो के अंदर, तो मैं उससे हमेशा एक ही चीज़ पूछता हूँ, चाहे वो मेरा भाई है या दोस्त है, कि पहली बात तुझे इन्वेस्ट क्यों करना है, इन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट छोड़ दे, क्रिप्टो को साइड कर दे, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। तो जनरली लोग ये बोलते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर में मेरे कुछ गोल्स हैं वो मीट आउट हो जाएं और मैं उन्हें मीट कर पाऊँ सही से, अपनी ज़िम्मेदारियां फ्यूचर में निभा पाऊँ। कुछ लोग कहते हैं मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँ, ज़िंदगी में नौकरी कौन करेगा। तो इस तरीके के फीडबैक जनरली आते हैं। कुछ कहते हैं कि यार कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए फ्यूचर में तो कैश होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो ये बहुत इस तरीके के काफ़ी रिप्लाईज आते हैं, लेकिन एक आंसर है जो बहुत ही रेयर आता है, और वो आंसर मैं एक्चुअली आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में करनी क्यों चाहिए। देखिए मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जब आप अपना सैलरी कमा रहे हैं और अगर आप शुरुआती दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू कर दो तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जनरली क्योंकि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती, फाइनेंस हमें घर में नहीं सिखाया जाता, ना हमें स्कूल में सिखाया जाता, तो हमें यही नहीं पता होता है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की राइट एज क्या है, कब से हमें शुरू करना चाहिए, क्या जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा होता है। और हमें ये बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि ओहो यार अगर मैंने शायद तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी होती जब मैंने कमाना शुरू किया था तो आज मेरा जो कॉर्पस है, मेरा फंड बहुत बड़ा हो जाता है ना। क्योंकि मैंने भी यही गलतियाँ करी जब मेरी सैलरी 3500 की थी, ग्लोबस एक साउथ एक्स में एक मॉल है वहाँ काम करा, फिर मैंने और कंपनीज में काम किया, 7500-7800 भी मेरी सैलरी हुई, 13000 भी हुई मेरी सैलरी। लेकिन तब बैचलरहुड में ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यार ये जो पैसे आ रहे हैं और जब जिम्मेदारी कम है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन तब नॉलेज ही नहीं थी, तब ऐसा लग रहा था कि मैं किंग हूँ, ज़िंदगी को अब कॉन्कर कर लिया है, अच्छी नौकरी, सैलरी, अब खुल के जीने जियो। लेकिन उस समय किसी ने शायद गाइड कर दिया होता कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना जल्दी आप उतना ज़्यादा आप कॉर्पस इकट्ठा कर पाओगे। उसकी खास वजह ये होती है, एक तो कंपाउंड, जो कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, कि जिसमें आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो रिटर्न आता है आपको पहले साल में और दूसरे साल में जो आपको रिटर्न आया उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है,
तो जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा आपका रिटर्न साल दर साल अकुमुलेट होता चला जाता है। और दूसरी वजह ये है कि सपोज़ करिए कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी किसी चीज़ में, तो अगर उसमें आपको लॉस हो भी गया या उसका जैसे सपोज़ आपने प्रिंसिपल लगाया 1,00,000 रुपये और आपका इन्वेस्टमेंट रह गई 80,000 रुपये या 70,000 रुपये, तो आपके पास बहुत समय है, लंबा समय है कि आप लंबे समय तक वेट कर सकते हो कि आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और फिर आप उस वो प्रॉफिट्स में भी आ सकती है इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज़ करिए 25 साल के आदमी के पास ज़्यादा समय है अपनी इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए, बजाय इसके कि कोई अगर 40 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो उसके पास ऑब्वियसली समय कम है, राइट, उसके पास पेशेंस कम है क्योंकि उसके पास वक्त कम है, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट की एज पास में आ रही है, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके जो गोल्स हैं वो बहुत नज़दीक हैं। लेकिन एक जो 25 साल का आदमी है उसको अपने जीवन की जो लाइफ साइकिल में उसकी शादी, उसके बच्चे, उसके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, फिर ये सारे जो गोल्स हैं अभी उस पर टाइम है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा वक्त रहता है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का, और अगर लॉस में भी चली गई तो रिकवर करके फिर प्रॉफिट में आने का समय ज़्यादा होता है। तो ये एक यंग आदमी के पास ज़्यादा होता है, प्लस कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब जो रियल कॉज है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इन्फ्लेशन, राइट। अब काफ़ी सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होता है लेकिन एक्चुअली में उनको इन्फ्लेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो समझ नहीं आ रहा होता है। और मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको रेगुलरली आपको जल्दी शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्फ्लेशन होता क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन होती है महंगाई की दर। महंगाई की दर मतलब कि आपने सरकार ने आपको कई बार ही आपने सुना होगा कि जो बास्केट होती है, मतलब जैसे बहुत सारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका एक बास्केट बना के, उस बास्केट को बना के उसके उस प्राइस को ट्रैक किया जाता है कि सपोज़ गोल्ड हो गया, तेल हो गया, और नेचुरल गैस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें एक कमोडिटीज़ जिसे कहते हैं उसका एक बास्केट बना के उनका जो प्राइस मूवमेंट है उसको ट्रैक करा जाता है। तो वो इसीलिए आपको ये सुना होगा आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट, WPI, CPI, तो आपने इस तरह की टर्म सुनी होंगी। तो मोटा मोटा अगर मैं कहता हूँ कि सरकार आपको ये बोलती है कि सपोज़ 6% की महंगाई दर है इस टाइम इंडिया में, तो आपको इस तरीके से समझना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये महीना है, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये आ जाता है, राइट। आप उस 1,00,000 रुपये को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो, छूते भी नहीं हो, बिल्कुल भी कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो महंगाई का दर का मतलब ये है कि अगर आपने 1,00,000 रुपये को नहीं छुआ और आप 2021 में आपको सैलरी आई जनवरी में, आपने उस सैलरी को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कैश की तरह छोड़ दिया बैंक अकाउंट में या आपने बैंक अकाउंट में भी खैर इंटरेस्ट मिलता है, आपने कैश निकाला बैंक से और अपने हाथ में कैश रख लिया वो 1,00,000 रुपये और गड्ढे में डाल दिया या लॉकर में रख दिया, तो 2022 जब आएगा तो वो 1,00,000 रुपये की वैल्यू 1,00,000 रुपये नहीं होगी। अगर सरकार कह रही है कि महंगाई की दर 6% है तो 2022 में आपकी जो परचेजिंग पावर है उस 1,00,000 रुपये की वो 94,000 रुपीज़ रह जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 94,000। और अगर आपने 2022 में भी उसको एक लॉकर के अंदर रखा 1,00,000 रुपये को और उस कैश को टच नहीं किया, तो फिर आप जब अगले साल 2023 में जाओगे तो और उसमें से माइनस 6% अगर आप कर दोगे तो वो करीब 88,000-89,000 के करीब आपका रफली इन वैल्यू रह जाएगी। तो मतलब जो परचेजिंग पावर थी उस 1,00,000 रुपये की 2021 में और आपने उसे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने उसको कैश में छोड़ दिया, एक लिफाफे में डाल के लॉकर में रख दिया, तो जब आप 2023 में वो पैसा बाहर निकालोगे तो उसकी वैल्यू, मतलब जो सामान आप खरीद पाओगे वो 88,000 वर्थ का सामान ले पाओगे, 1,00,000 रुपये का सामान नहीं ले पाओगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना कि कई लोग हिंदुस्तान में आज भी, मैं जानता हूँ कि पैसा कमाते हैं, पैसे को कैश में कन्वर्ट करते हैं और उस कैश को अपने पास रख लेते हैं लॉकर में, अलमारी के अंदर, हमने तो देखा है घरों के अंदर डब्बे के अंदर, चीनी के डब्बे में, आटे के डब्बे में, घरों के अंदर गृहणियाँ जो हैं 1,00,000 रुपये या जो कैश होता है उसको अपने पास रखी रहती हैं बिना ये सोचे समझे कि ये जो एक जो हमने कैश अपने पास रखा है, जो हम इसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको अपने पैसे को, पैसे से पैसे को कमाना बहुत ज़रूरी है,
पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो महंगाई की दर है आप उसको मीट कर सको। अगर आप महंगाई की दर को मीट नहीं कर पा रहे हो तो आप लॉस में जा रहे हो, इस बावजूद इसके कि आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। अब आप कहोगे लॉस तो तब होगा ना जब मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं। अगर आपने अपने कैश को आइडल छोड़ दिया और कहीं आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आप महंगाई की जो दर है उसे मैच नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो अब आप कहोगे कि सर अच्छा तो क्या इसी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, आपको इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि छोड़ देता हूँ ना 1,00,000 रुपये को बैंक अकाउंट में छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? तो देखिए, बैंक अकाउंट में अगर आप छोड़ते हो तो जो महंगाई की दर है जो सरकार कहती है वो कहती है 6-6.5%। लेकिन जो सरकार कहती है 6-6.5% और अगर आपका बैंक अकाउंट आपको 4% के करीब आपको अगर रिटर्न दे रहा है तो आप 2% के लॉस में हो। और जो 2% का जो लॉस है, आप सोचो कि महंगाई की दर है 6% और आपका जो रिटर्न आ रहा है, जो आपको बैंक से रिटर्न आ रहा है वो 4% का रिटर्न आ रहा है, तो आपका जो ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 2% हुआ कि नहीं? तो ये कोई एक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे तरह की इन्वेस्टमेंट पे, राइट? अगर आप वैसे भी देखिए कि जब सरकार क्लेम करती है कि 6% की महंगाई दर है, एक्चुअली में जो उसके अंदर जो बास्केट है, जो कमोडिटीज़ हैं उस बास्केट के अंदर, वो कमोडिटीज़ होती हैं जो कि जैसे कि पेट्रोल हो गया या आपका गोल्ड हो गया या आपकी और जो कमोडिटीज़ होगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो उस बास्केट के अंदर कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो नहीं होती, जो मेरी और आपकी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसे कि एजुकेशन उस बास्केट का पार्ट नहीं होता, टूरिज़म उस बास्केट का पार्ट नहीं होता, कलेक्टेबल्स, आर्ट्स, ब्रांडेड कपड़े, जूते, ये उसका पार्ट नहीं होता। और होता क्या है कि आपको लगता है कि महंगाई की दर इंडिया में 6% से चल रही है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जैसे एजुकेशन है, लाइफस्टाइल है, लग्जरी आइटम्स हैं, टूरिज़म है, वेकेशन पे मैं और आप जाते हैं, ये चीज़ें 15-20% की रेंज से बढ़ रही होती हैं। तो हमें लगता है 6%, लेकिन एक्चुअली में ऑन अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 15-20% की रेंज से बढ़ रही होती है। तो अगर आप एक बैंक अकाउंट के अंदर अपना पैसा रखते हैं तो आपको मिला 4%, लेकिन महंगाई की दर है 15-20% ऑन रिकॉर्ड, मतलब जो आइटम्स मैंने आपको गिनाई। तो अगर आप 15% से अगर आपका, आप ये लेके चलो कि अगर 12-15% आपका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो कर रहा है साल में तो आप लॉस में हो। मतलब अगर आपका 1,00,000 रुपये है और अगर वो 1,00,000 रुपये को आपने रखे रहे तो उसकी जो एक्चुअल बाइंग पावर है वो 85,000 रह जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ को ये समझ लिया, मैं यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो की शुरुआत मैं आपको इससे नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपके सारे गोल्स क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से ही पूरे होने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पस, पर्टिकुलरली ये जो पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए। अगर आपने इस पर्पस को समझ लिया कि यार सही कह रहे हैं कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 15% से या 20% से ग्रो नहीं कर रही है हर साल तो मैं माइनस में हूँ, और जिस तरीके की कोविड की जो सिचुएशन है, जो आजकल कोविड आ रहा है, और अगर आप जॉब में हो, आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब आप अप्रेजल के लिए जाते हो अपने बॉस के पास और बॉस के साथ अप्रेजल के लिए बैठते हो, वो आपको कितनी ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं यार कि बहुत टफ साल था हमारे लिए, 2-3%, 4%, 5%। मतलब मुझे याद है कि मेरे कलीग्स 2019 में जब प्रमोशन हुआ एक मेरे कलीग का, उसका प्रमोशन के बाद उसका जो इंक्रीमेंट था वो 12% था, और जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था उनका 4-5% था। तो शायद इतना भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इतना भी इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है कि आप अपनी जो महंगाई की दर है उसको मीट कर सको। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये समझना कि अगर हम लोगों को फ्यूचर में अपने परचेजिंग पावर को रिटेन करना है, अपनी सैलरी की, अपनी इनकम की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन्वेस्टमेंट एक करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट को अगर हमने सीख लिया, फिर हमारा ऑप्शंस आते हैं कि हमें किन किन तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को करना है। फिर उसमें ऑप्शंस आ जाती हैं कि मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है या मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है
या मुझे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या राइट क्या मुझे एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुझे कुछ और तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुझे कोई साइड में बिजनेस करना है, राइट। ये सारे मुद्दों पे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, जहां हम एक एक चीज़ को पकड़ेंगे कि गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, कमोडिटी के अंदर, बिजनेस करने के नफ़ा नुकसान, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के अंदर करने से इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इन सब के बीच में हम इनके प्रॉज कॉन्स, इनके बीच के डिफरेंसेस, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये पहल है, ये जो पहल है और ये जो मेरी सोच है, ये पसंद आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि काशिफ सर ने आउट ऑफ द ब्लू ये अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जैसे वक्त लेके अपने भाई बहनों को, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर परिवार में लोगों को, अपने दोस्तों को मैं सिखाता हूँ उनको बैठा के, क्योंकि मैं किसी को भी फ़ोन पे दो मिनट में नहीं सिखा सकता कि क्यों क्रिप्टो राइट है। मैं हमेशा उनको एडवोकेट करता हूँ कि पहले इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में आओ। अगर उस माइंडसेट में आ गए, फिर हम ऑब्वियसली ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, और उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हुए हम क्रिप्टो पे पहुँचेंगे, फिर क्रिप्टो की हम शुरुआत तब करेंगे। तो क्रिप्टो एकदम सीन में नहीं आता है। क्रिप्टो की शुरुआत करने से पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, इस सीरीज़ के बारे में बताइएगा। मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डालूंगा, उस प्लेलिस्ट में 40 से 50 वीडियोस होंगे आई एम श्योर। या आने वाले समय में जब इंडिया के अंदर करोड़ों लोग क्रिप्टो के अंदर एंटर करेंगे, तो इस सीरीज़ को देख के वो कहेंगे कि नहीं, दे हैव मेड द राइट चॉइस और उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिली। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।